हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रुचि। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन लगवाने डलाउजी, क्योंकि चंबा में तो हमें स्लॉट नहीं मिला, तो अभी डलाउजी जा रही हूँ। तो वी आर ऑलरेडी लेट, सो वी आर ऑन द वे राइट नाउ एंड वी आर इन द रश। तो बस अभी हम पहुँचेंगे तो फिर मैं उधर जाके वीडियो बनाऊँगी कि मेरे को वैक्सीनेशन लगनी है। वैक्सीनेशन, वी फॉर वैक्सीनेशन, वी फॉर विक्ट्री। यहाँ का मटन ना गोली है, यहाँ पे जगह का नाम ना, यहाँ पे मटन बहुत डिलीशियस मिलता है। मोहित को मैंने बोला, मैंने कहा हम खाना तो घर से पैक करवा के लाए हुए, अब मटन भी पैक करवा लो। पहले यहीं रहते थे हम लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी चंबल सर्विस कर रहे हैं। मैंने ये भी मटन आईडिया यूनियन, इसमें ना आईडिया यूनियन मुझे वैक्सीनेशन लग चुकी है एंड आई एम प्राउडली वैक्सीनेटेड। तो बस अभी हम वापस घर चंबा जाएंगे एंड डलाउजी आए थे। अभी आपको मैं खजियार की सैर भी करवाऊंगी, हम वाया खजियार जाएंगे वापस चंबा। तो मैं आपको खजियार, दैट इज़ हार्ट ऑफ चंबा, खजियार। मोंगास नितिका, मेरी फ्रेंड का है होटल। ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे, एक्चुअली छोटी जगह है ना, तो सारे एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं खजियार की तरफ। आसमान देखो कितना क्लियर, वो सामने है डीपीएस पीयू का स्कूल था, डलाउजी पब्लिक स्कूल। वो ऊपर जहाँ पे झंडा है ना, फ्लैग है जो हमारे इंडिया का। ये मेरी बेटी का स्कूल हुआ करता था, डीपीएस डलाउजी। यहाँ से इनके स्कूल की, जो पुराने स्कूल की जो बाउंड्री है, जो है वो स्कूल की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इनकी बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल। सब बंद पड़ा है, नहीं तो यही डलाउजी, यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता था, इतना ट्रैफिक, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लग ही जाता था, इतना ट्रैफिक जाम रहता था। जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं। अब देखो, अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब तो बंदर भी नहीं नज़र आ रहे, तो पहले बंदर ही इतने होते थे। अब मैंने वही मोहित को बोली थी, मोहित बंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। है मेन बिल्डिंग इनकी स्कूल की, मेन बिल्डिंग है इनकी स्कूल की। पीहू की बिल्डिंग आगे थी, ये सीनियर बच्चों की है। ये इनका ऑडिटोरियम, ओपन ऑडिटोरियम था इनका। सामने यहाँ पे सारे इनके प्रोग्राम्स वगैरह होते थे। अभी मैं आपको निकल के व्यू दिखाऊंगी पूरा इसका। बड़ा ही सुंदर पार्क है यहाँ, बीजीज पार्क है। देखो कितना प्यारा पार्क है इन्होंने ऐसे पूरा डलाउजी वालों ने, बीजीज पार्क है ये। यहाँ पे मेरी बेटी रोज़ कहती है, मम्मा हम यहाँ पे रोज़ आते थे निकल के। और ये मैं पीयू को दिखाऊंगी, उसको नहीं लेके आई मैं। ये होती थी मेरी बेटी की विंग, यहाँ पे पढ़ती थी पीहू। यहाँ से अंदर
उसको याद है अपनी पुरानी बेचारी, जब से चंडीगढ़ गई है तब से स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी उसने किसी भी। ये था इसका, यहाँ पे ये टैंकर रखा हुआ है, मेरा पीहू की पुरानी याद है मेरी बेटी की। यहाँ पे इनका एग्जीबिशन लगता था, बुक फेयर ना, इस जगह पे बुक फेयर लगता था। ये सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल, काफ़ी बड़ी तिब्बतियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, तो उनका भी हम आपको ट्रैक करवाते हैं। ये मोहित ने दूसरी तरफ टर्न ले लिया है, तो बकरोटा हिल है इसका नाम ना, बकरोटा के लिए मोहित ने। तो अभी हम देखो ट्रैक कैसा, इतनी सी सड़क है बस, दैट्स इट। एक ना यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, इतना ही खूबसूरत व्यू। हम मोहित याद है हम कितना यहाँ पे, मतलब आके यहाँ पे हमने लंच पीयू के साथ आके है ना खाना बना के, हम आगे ना शेड आएगा और वहाँ पे बैठ के जब हम यहाँ पे रहते थे तो पीयू को या जैसे खुद ही स्कूल से ले लेना और फिर आगे बैठ के हमने यहाँ पे पैक करके ले आती थी मैं लंच साथ में, फिर मैं मोहित पीहू हम तीनों यहाँ पे बैठ के लंच किया करते थे। वहाँ पे व्यू इतना अच्छा आता ना, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का व्यू। यहाँ सब लोगों के समर हाउसेस भी हैं, देखो यहाँ पे ना कभी कभी मोहित, और देखो लंगूर कितने सारे लंगूर, बंदर लंगूर सब मिलेंगे डलहौजी में। बेचारे यहाँ जंगल में आके छुप के बैठे हुए हैं, खाना नहीं मिलता होगा। ये हंसी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, वो देखो ये वाला शैक है जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आके हम लंच किया करते थे। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, इतना मेस्मराइजिंग व्यू है ना, बहुत सुंदर व्यू है। रुको ज़रा सामने बिल, अभी को पता लगे कोई भालू आ गया है तो। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, वहाँ सामने सीधा गोविंद सागर नज़र आता है सारा, वो देखो कितना प्यारा व्यू। हम यहाँ पे बैठ के कितनी कितनी देर बैठ के यहाँ पे हम, मैं पीहू मोहित ना सॉन्ग्स लगा के गाड़ी खोल के सॉन्ग्स लगा के हम सुना करते थे। ये है हमारा खूबसूरत सा डलहौजी, देखो ग्रीनरी 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 एवरी, धूप भी बहुत जोर से लगी हुई है, बस अभी खाना भी खाएंगे। देखो फूल ही फूल डेजी, ये देखो ये होता है डेजी, ये वाले फ्लावर्स डेजी के ना, देखो कितने प्यारे फ्लावर्स है। लोगों के समर हाउसेस हैं ये सारे विलास, परम धाम भी है यहाँ पे मोहित है ना, माथा टेक लेना। मोहित ने नाम लिया हुआ है, श्री रामचरणम के फॉलोअर्स हैं मोहित, तो देखो देखो ये है आला फार्म। तो यहाँ पे जो पहाड़ी आलू बोलते हैं ना, सारे पहाड़ी आलू यहाँ पे सारे फार्मिंग होती है इसकी पहाड़ी आलूओं की, ऊपर भी ये भी, ये सारे पहाड़ी आलू आला फार्म बोलते हैं यहाँ पे इसको। तो ये वेजिटेशन होती है पोटैटो वेजिटेशन पूरी जो दिख रही है आपको, ये सारी वो दूर तक ये वो आगे पूरी, ये पूरी पहाड़ी पे इतने लेवल पे सारी ये पोटैटो की वेजिटेशन होती है यहाँ पे ना, मैं आपको दिखाती हूँ।
और वो सारी पीर पंजाल की रेंज है जो सामने नज़र आ रही है ना आपको, ये जो सारी बर्फ़ वाले पहाड़ है ना, ये सारी पीर पंजाल की रेंज है। अभी तो थोड़ा हेज़ी है, ग्लूमी सा वेदर है थोड़ा, पर जिस दिन क्लियर होता है उस दिन ये सारी रेंज ना ऐसे क्लियर क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही होती है। और यहाँ पे हम सारी फ्रेंड्स मिलके आती थी, आगे हमारा पेट था अमोद रिजॉर्ट ना, हम वहाँ पे जाते थे, अमोद रिजॉर्ट है आगे ना, तो हम सारी फ्रेंड्स यहाँ पे, हमारा तकरीबन कोई 10 का ग्रुप था, है अभी भी टचवुड रहेगा आगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे अमोद है, वहाँ पे हम जाते थे और अपना पूरा लंच बड़े आराम से वहाँ पे बैठ के ना, वहाँ पे सीनिक ब्यूटी बहुत। ये है अमोद, ये रेस्टोरेंट है पूरा बहुत बड़ा ना, महिंद्रा वालों का है ये ना, आई एम नॉट इवन श्योर कि महिंद्रा वालों का है। और ये जो है ये पूरा वुडन हाउस है, ये वाला जो है ना ये पूरा वुडन हाउस है। और मोहित को पता नहीं किस चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है क्यों इतना जल्दी भाग रहे हैं, मोहित वेट करो यार। ये सारा आला फार्म्स है, ये सारा ऊपर भी ना पोटैटो वेजिटेशन होती है सारी यहाँ पे, वो नीचे भी, ये पूरी नीचे स्टेप फार्मिंग के तौर से ना, और देखो वो नीचे सारा नज़र आ रहा होगा आपको, वो भी सारा, ये सारा पोटैटो फार्मिंग है, आला फार्म है ये, जो बोलते हैं ना पहाड़ी आलू बहुत अच्छा होता है खाना यहाँ पे। ये है वो अमोद की एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस होती है अमोद, ये रहा अमोद, यहाँ पे हम बहुत आते थे, आगे से है इसका रास्ता ऊपर जाने का अमोद के लिए, एक मिनट, ये रहा अमोद रिजॉर्ट, यहाँ से ऊपर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा बना है, खाना भी बहुत अच्छा है इनका, देखो व्यू। रास्ता जाता है काला टॉप के लिए, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बड़ी होती है ऊपर, मैं और मोहित काफ़ी बार गए हैं, हमने रुका भी है, पर हमें यहाँ सच कुछ वाइल्ड लाइफ तो दिखी नहीं, बट बहुत ज़बरदस्त जगह रहे, इको टूरिज्म वालों का भी है रहने का, और हम लोग रहे भी थे, बड़ा मज़ा आता रहने में, पूरा इससे भी और भी आगे जाके है इको टूरिज्म वालों का, ये यहाँ से गुजर कम्युनिटी है वहाँ पे, इस टाइम पे आ जाते हैं ये लोग सर्दियों में, फिर बर्फ़ पड़ती है तो फिर ये वापस अपने शेपर्ड्स बोलते हैं इनको, तो ये चले जाते हैं, यहाँ से है रास्ता, और भी अभी आप बहुत आगे तक आगे जाना पड़ता है काला टॉप के लिए। एक बार ही यहाँ मैं मास्क नहीं हटाऊँगी क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर आस पास, एक बार ही मैं और मोहित काला टॉप गए, ऊपर टॉप पे हम पहुंचे ट्रैक करते करते, एंड मेरे मोबाइल पे पाकिस्तान का सिग्नल का, पहले वो वैसे फ़ोन चलते थे ना आज से 10 साल पे जिसमें फ़ोन में भी रेडियो आ जाता था, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पाकिस्तान के सिग्नल कैच कर रहा था रेडियो पे, इनफैक्ट यहाँ डलहौज़ी में भी काफ़ी बार ना बाई चांस आई डोंट नो कैसे पाकिस्तान का जो सिग्नल है वो भी कैच कर जाता है रेडियो का। तो यहाँ पे मोहित अभी वो ले रहे हैं कोयले की बोरी, यहाँ से ना काफ़ी वो पन का कोयला होता है ना, वो बोरी ले रहे हैं, तो मम्मा पापा से बात कर रहे हैं, उनको एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज है ना इन चीज़ों के बारे में, तो फिर इसलिए सब कुछ बंद कर दिया। ये वो जगह थी जहाँ पे इतना रश हुआ करता था कि हेलो मेरे को नहीं लेके जाना अच्छा गाड़ी पार्क कर रहे हैं ये। चलो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, पर ये वीडियो आगे भी कंटिन्यूड रहेगी क्योंकि आगे मैंने आपको पूरा खजियार का व्यू दिखाना है, खजियार की सैर करवानी है, खजियार जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है उसकी सैर करवानी है, इसी में नहीं वीडियो में कंटिन्यू कर सकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे थ्रू ही वर्चुअली नेचर का मज़ा लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन पहले से ही खजियार जा चुका है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।